मुंबई के साकीनाका इलाके की जिस दो मंजिला इमारत की दीवार गिरी उसमें एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री चल रही थी। इमारत की ये दीवार पास के एक मकान पर गिरी जिसकी चपेट में करीब दर्जन भर लोग आ गए। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक ये हादसा एक धमाके की वजह से हुआ, स्फोट हुआ है। अब वो क्या चीज हुआ है ये पता नहीं है, स्फोट हुआ है। आवाज बहुत तगड़ी आई है और यहाँ शटर तक सब पूरे हिल गए हैं, आजू बाजू के सब पूरे शटर उड़ गए हैं। ये धमाका किस तरह का था इसकी जांच की जा रही है, जिसके लिए एटीएस की टीम मौके पर पहुंच गई है। जिस मकान की दीवार गिरी है उससे 200 फीट की दूरी पर एक मकान में भी दरार आ गई। हालांकि पहली नजर में लगता है कि ये धमाका फैक्ट्री में मौजूद सिलेंडर के फटने से हुआ है। ये वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से फिर से इम्प्लोजन के भी वहाँ प्राइमर फेसी एविडेंसेस है जो हम वीडियो रिकॉर्ड करके कर रहे हैं कि एक तरफ वॉल पूरी बाहर गई है और कुछ तरफ से अंदर आई है। वैक्यूम जो होता है उसमें फिर हवा अंदर आती है जोर से, बहुत ज़्यादा मायने में, तो उसकी वजह से हुआ लगता है। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए एक बम निरोधक दस्ता भी घटना स्थल पर तैनात कर दिया गया था। ये धमाका सचमुच सिलेंडर फटने की वजह से हुआ या इसकी वजह कुछ और थी ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। शाहिद अंसारी, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई।